अंतिम वृद्धारण समारोह में उपस्थित ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई बहने, रिश्तेदार एवं धर्मसंगी भाई बहने, आज 20 नवंबर 2021 पवित्र कलीसिया तथा संत अन्ना की पुत्रियों के धर्मसंघ रांची के लिए एक अविस्मरणीय दिन है, क्योंकि इस दिन में संत अन्ना रांची प्रोविंस के लिए 7 धर्म बहने 6 से 9 वर्षों तक धर्म समाज में रहकर अपने को विभिन्न घटनाओं में परखा। भिन्न भिन्न परिस्थितियों एवं व्यक्तियों द्वारा ईश्वरीय बुलाहट को सुना, पहचाना तथा आधुनिक दुनिया के परे जीवन जीने का दृढ़ संकल्प किया और आज जीवन भर के लिए अपने को ईश्वरीय कलीसिया तथा धर्म समाज के लिए पूर्ण समर्पण करने का साहसिक कदम उठाया है। अनेक प्रकार की शिक्षा, प्रार्थना, त्याग तथा आध्यात्मिक सलाह द्वारा इसे विकसित किया और धर्म समाज के संविधान के अनुसार शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन को आजीवन जीने का व्रत अर्पित करेंगी तथा धर्मसंघ के परमाधिकारिणी श्राद्य सिस्टर लिली क्रिस्तोपनो ईश्वर के नाम उन्हें स्वीकार करेंगी तथा उपस्थित हम प्रत्येक उनके समर्पण के साक्षी बनेंगे। अतः आइए हम उनकी खुशियों में शामिल हों और एक ख्रिस्त्याग में सहृदय व सक्रिय भाग लेकर उनके समर्पण एवं भावी जीवन की मंगलमय कामना करें। आज के धर्मविधि के मुख्य 3 भाग होंगे। पहला शब्द समारोह, दूसरा वृद्धारण विधि और तीसरा यूखरिस्टी समारोह। अभी आजीवन वृद्धारण करने वाली धर्म बहने धर्मसंघ की परमाधिकारिणी श्राद्य सिस्टर लिली क्रिस्तोपनो जीएसए तथा रांची प्रोविंस की प्रोविंशियल सुपीरियर सिस्टर मंजुला किंडो डीएसए के साथ हाथ में जलती मोमबत्ती लेकर प्रवेश जुलूस में वेदी तक आएंगी। आज के मुख्य अनुष्ठाता महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स ट्रुप्पो, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष तथा सभी पुरोहित प्रवेश नृत्य के साथ बलि वेदी तक आएंगे।
आज के समारोही क्रिस्तिया के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो येसु संगी, रांची महाधर्म प्रांत, श्रद्धेय सिस्टर लिली ग्रेस टोपनो, डीएसए संतन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ की परमाधिकारिणी, महासलाहकारिणियाँ, उपस्थित पुरोहितगण, धर्मबंधु, धर्म बहने, आजीवन वृद्धारणियों के माता पिता, भाई बहने एवं रिश्तेदार, मैं इस पवित्र ख्रिस्त याग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मानव इतिहास में ईश्वर ने मनुष्य के प्रति अपना प्यार मनुष्य के द्वारा प्रदर्शित किया। उसने अपने सर्वोत्तम प्रेम को येसु ख्रिस्त में मरियम के द्वारा सारी मानव जाति के लिए प्रदर्शित किया। इस तरह हम पाते हैं कि ईश्वर जिनको साधन बनाना चाहा, सभी ने हाँ कहा और प्रभु के पुनित कार्य में सम्मिलित हुए। आज ये आजीवन व्रतधारिणियाँ इसाईस के शब्दों में कह रही हैं, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे भेज। हम ईश्वर के प्रति धन्यवादी हैं जिन्होंने अपनी महती दया हमारी इन सात बहनों पर बरसाई हैं। ये बहनें हैं सिस्टर सुधा टोप्पो, सिस्टर कुमुदनी डुंगडुंग, सिस्टर अलका किंडो, सिस्टर रोशनी करकेट्टा, सिस्टर अंशु अनामिका टोप्पो, सिस्टर संतोषी रुंडा और सिस्टर प्रतिमा सोसन गुड़िया। ईश्वर ने अपनी दाखबारी में श्रेष्ठतर सेवा हेतु इन बहनों को चुन लिया, उन्हें नाम लेकर बुलाया और ये बहनें आज आजीवन अपनी पूर्ण एवं स्वतंत्र इच्छा से संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची की पूर्ण सदस्य बनेंगी। यह सदिच्छा राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 4 से प्रकट होता है। मैं और मेरा सर्वस्व आपका अर्थात ईश्वर का ही है। अब मैं पवित्र मिस्सा की अगुवाई के लिए मुख्य अनुष्ठाता महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु संगी को सादर आमंत्रित करती हूँ। पवित्र मिस्सा के मतलब संत अन्ना की पुत्रियों के धर्म संघ रांची प्रोविंस की धर्म बहने सिस्टर अलका किंडो, सिस्टर अंशु अनामिका टोप्पो, सिस्टर कुमुदिनी डुंगडुंग, सिस्टर संतोषी रुंडा, सिस्टर प्रतिमा सोसन गुड़िया, सिस्टर रोशनी केरकेट्टा, सिस्टर सुधा टोप्पो। आज अपने को आजीवन ईश्वर को समर्पित कर रही हैं। ईश्वर इनके धर्म संघीय बुलाहट को सुदृढ़ एवं बलिष्ठ बनाए तथा धर्म बहनों के माता पिता, भाई बहन एवं प्रियजनों को आशीष दे और परिवार के मृत लोगों को अनंत शांति प्रदान करें। निवेदक संत अन्ना की पुत्रियां, रांची प्रोविंस की सभी धर्म बहनें। दूसरा मतलब सिस्टर प्रतिमा सोसन गुड़िया की जीवन मन्नत के शुभ अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद देने एवं उसके जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा मिले माँ गीता गुड़िया एवं रिश्तेदारों की ओर से।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, हम आज दो प्रमुख अनुष्ठानों के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रभु के चरणों में आए हैं। सर्वप्रथम हम यह यूकारिस्तीय बलिदान अर्पित कर रहे हैं, जो हमारे जीवन का केंद्र है और जो हमारी महिमा आराधना करने की चरम सीमा है। तो हम इस पवित्र यूकारिस्त के माध्यम से ईश्वर को धन्यवाद दें और उससे असीम कृपाएं प्राप्त करें। दूसरा अनुष्ठान है कि हमारी सात बहनें अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर रही हैं जीवन भर के लिए, तो हम उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें उनके समर्पण के लिए और प्रार्थना करें कि वे इस समर्पण को जीवन भर निष्ठापूर्वक योग्यतापूर्वक निभा सकें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे।
तुमने इन सेविकाओं में सिस्टर का किंडो सिस्टर अर्जुना मिका टोपो सिस्टर कुमुदिनी डुंडुम सिस्टर संतोषी डुंडा सिस्टर प्रतिमा शोषण गुड़िया सिस्टर रोशनी क्रिकेटा और सिस्टर सुधा टोपो में बपतिस्मा की कृपा को इस तरह पुष्पित होने दिया कि ये तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त का निकटतम अनुसरण करने लग गई। इन्हें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार ये परामर्श के मार्ग पर चलकर ये कलीसिया की पवित्रता बढ़ाए और उसका प्रेरित उत्साह बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीत और राज्य करते हैं। नबी ईसायस के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 1-6 तक लिया गया है, जिसमें हमारी आजीवन व्रतधारिणी बहनें ईसायस नबी के शब्दों को आत्मसात कर व्यक्तिगत अनुभूति के साथ कह उठती हैं, प्रभु ने मुझे जन्म से पहले से ही नाम लेकर बुलाया, इसलिए आज वे दृढ़ निश्चयी हैं और दृढ़तापूर्वक कहती हैं कि ईश्वर ने उन्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है।
दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इसराइल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इसराइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। Yeah.
पाठ तिमथी के दूसरे पत्र अध्याय एक पद संख्याएं 6 से 10 तक लिया गया है। इसके द्वारा यीशु इनके प्रत्युत्तर पर आशीर्वाद देते हुए उन्हें ज्वलित बनाए रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा अनादि काल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन अध्याय 17 पद संख्याएं 17 से 26 में वचन हमें बताता है कि यीशु निरंतर अपने चुने हुओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि इनके जीवन एवं सेवा कार्य द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो। हम सुसमाचार सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है
जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाएं। मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सबके सब एक हो जाएं। पिता जिस तरह मुझ में है और मैं तुझ में उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिसे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी है जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। पिता मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया। न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, मैंने तुम्हें तुझे जाना है और वे जान गए कि तूने मुझे भेजा। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिसे तूने जो प्रेम मुझे दिया वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूँ। प्रभु का सुसमाचार। मैं सभी आजीवन व्रतधारिणी धर्म बहनों एवं उनके माता पिता या अभिभावकों से आग्रह करती हूँ कि वे पीछे की ओर चले जाएं। आजीवन प्रधारिणी धर्म बहनों के माता पिता एवं अभिभावकों से आग्रह है कि वे उनके साथ पीछे चले जाएं। संतान ईश्वर प्रदत्त अमूल्य वरदान है और इसी अमूल्य वरदान को इस घड़ी पुनः इनके प्रिय माता पिता या अभिभावक पीछे से सामने लाकर ईश्वर और उनके लोगों की सेवा के लिए स्वेच्छापूर्वक परमाधिकारिणी के नाम प्रोविंशियल को सौंपती हैं। Thank you.
आजीवन व्रत धारण करने वाले धर्म बहने घुटने टेकती हैं और रांची प्रोविंस के प्रोविंशियल उन्हें नाम लेकर पुकारती हैं। वे अपना नाम सुनकर खड़ी हो जाती हैं और सामुएल की तरह प्रभु तूने मुझे पुकारा मैं प्रस्तुत हूँ कहकर अपना प्रत्युत्तर देती हैं। सिस्टर सुधा टुप्पो, प्रभु तूने मुझे पुकारा है मैं प्रस्तुत हूँ। सिस्टर कुमुदनी डुंगडुंग, प्रभु तूने मुझे पुकारा है मैं प्रस्तुत हूँ। सिस्टर अलका किंडो, सिस्टर रोशनी क्रिकेटा, सिस्टर अंशु अनामिका टोप्पो, सिस्टर संतोषी रुंडा, सिस्टर प्रतिमा सोसन गुड़िया, अभी मुख्य अनुष्ठाता व्रतधारिणी बहनों से विशेष प्रश्न पूछते हुए जांच पड़ताल करते हैं कि क्या वाकई में बहनें अपना समर्पण प्रभु को अर्पित करना चाहती हैं या नहीं। प्रिय पुत्रियों, आप लोग ईश्वर तथा कलीसिया से क्या चाहती हैं? हम सभी का जवाब होगा ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के चेले हैं। प्रभु हम में से प्रत्येक के लिए अपनी इच्छा प्रकट करता है और किसी किसी के वह अपनी विशिष्ट इच्छा प्रकट करता है, उन्हें विशिष्ट बुलाहट देता है प्रत्येक के लिए। और हम जानते हैं कि बुलाहट केवल ईश्वर दे सकता है और इसकी यात्रा मरने तक चलती है और इस यात्रा में चार मौलिक तत्व होते हैं जिसे हम विशेष बुलाहट की पहचान कर सकते हैं, शर्त कर सकते हैं या लक्ष्य कर सकते हैं। यह है पहला ईश्वर की बुलाहट, मैंने कहा। दूसरा तत्व है स्वीकृति की बुलाहट को स्वीकार करना। तीसरा तत्व है कि हम प्रभु को जानते हैं, उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं और उसके साथ आत्मीयता घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। और चौथा है प्रभु के द्वारा मिशन। ये चार बातें किसी भी विशिष्ट बुलाहट के लिए आवश्यक हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना, नबी इसायास कहते हैं, जब मैं गर्भ में था तभी से प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए मनोनीत किया। नबी इसायास इसका एहसास हुआ कि ईश्वर ने उसे माता के गर्भ से ही चुन लिया है। वे आगे कहते हैं,
अर्थात हमारे प्रभु उसके लिए कहते हैं, मैं तुझे राष्ट्रों के लिए ज्योति बनाऊंगा जिससे मेरी अनुकंपा पृथ्वी के सीमांतों तक पहुंच जाए। ये उनके लिए एक विशेष मिशन प्रभु दे रहे हैं। उन्हें बुलाया और उन्हें एक विशेष मिशन दिया। दूसरे पाठ में संत पॉल तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। हम जानते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें सारे पापों से मुक्ति दी है, हमें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाया है, उसने हमें पवित्र आत्मा से नया जीवन दिया है और हमें बुलाया है। जैसे प्रभु ने कहा, पवित्र बनो अपने स्वर्गीय पिता के समान। आगे संत पॉल कहते हैं तिमोथी को, मैं उस शुभ समाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। वो उनका मिशन, और हम संत पॉल उसको जानते हैं कि किस तरह से उसने अपने मिशन को पूरा करने के लिए कितनी तीन बड़ी बड़ी यात्राएं की, समुद्र की यात्रा, देशों की यात्रा, और बहुत कष्ट सहते हुए भी उसने निष्ठापूर्वक अपने मिशन को पूरा किया। और हमारे प्रभु ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। तो हमारे प्रभु चुनते हैं, वे हमारी अंतरात्मा में प्रेरणा देते हैं पवित्र आत्मा के माध्यम से, और तब हम उस प्रेरणा को, अगर हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा मन खुला है तो हम उस प्रेरणा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और अगर हमारा हृदय उदार है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिस विशेष बुलाहट की चर्चा मैंने की वो ईश्वर से ही आती है, जैसा कि हमने नबी इसास के पाठ में सुना, पहले पाठ में। और इससे पहले अगर हम पवित्र ग्रंथ को देखें, स्क्रिप्चर्स को देखें, तो हम पाएंगे कि बुलाहट ईश्वर से ही आती है। मूसा, इब्राहिम, मूसा, इलियास, एलिशा, एज़ेकियल, यिर्मयाह और भी जितने भी नबी हुए हैं, बुलाहट ईश्वर से ही आई है। और बहुत बार इन नबियों ने उस बुलाहट को स्वीकार करने में आनाकानी की, वह पो उनके हृदय में हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की बुलाहट को स्वीकार की, और इसके लिए उन्हें बहुत तकलीफ भी सहनी पड़ी, उन पर सतावट भी हुए और बहुत लोगों को मार डाला भी गया। लेकिन बुलाहट ईश्वर से आई थी जिसका उन्होंने विरोध नहीं किया। इसी तरह से हम देखते हैं कि सुसमाचार में सभी प्रेरितों को ईश्वर ने बुलाया। प्रेरित पेत्रुस को कहा कि तुम अब से मनुष्यों के मछुए बनोगे, और उसका भाई तो आकर्षित हुआ ही था, अंद्रियास। फिर योहन कहता है आप कहाँ रहते हैं, प्रभु ने कहा आकर देखो, एक तरह से उनका स्वागत किया हमारे प्रभु ने। मत्ती जो चुंगी जमा करता था, ईश्वर ने, प्रभु ने कहा आओ मेरे शिष्य बन जाओ, मेरा अनुकरण करो, उसने सब कुछ छोड़कर उसका साथ दिया। उसी तरह से नथानियल को उसने ऐसी बात कही कि तुमको मैंने अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था, और तब वह उसके पीछे हो लिया। इसी तरह से अन्य प्रेरितगण भी, उनको भी हमारे प्रभु ने बुलाया, यहाँ तक कि यूदस को भी उसने बुलाया, क्योंकि यूदस का एक अलग मिशन था उसको पूरा करने का, ये ईश्वर की इच्छा के अनुसार थी। तो इन्होंने स्वीकार किया, कभी कभी स्वीकार करने में उन्हें तकलीफ हुई, प्रेरितों को भी तकलीफ हुई, क्योंकि बाद में प्रेरित लोग क्या सोचते थे कि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त एक बड़ा नेता बनेगा, फिर रोमियों को भगाएगा और दाऊद का राज्य स्थापित करेगा, और जब उसका राज्य स्थापित होगा तो हम उसके उसके कोर्ट में
हम लोग मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा उनका विचार था। तो उनका विचार शुद्ध नहीं था, मिश्रित था उनका विचार, क्योंकि उनमें सांसारिक आकांक्षाएं थी, उनमें नाम कमाने की, पैसे कमाने की और अथॉरिटी, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। फिर भी उन्होंने प्रभु का साथ दिया और उन्होंने ठीक ठीक प्रभु को नहीं समझा था, और इसलिए जब प्रभु का दुर्भोग हुआ तो संत योहान को छोड़कर सबको भाग गए थे। लेकिन धीरे 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 उनके विचार का विरेचन हुआ, शुद्धिकरण हुआ, और जब पवित्र आत्मा उतरा तो वे पूर्ण रूप से समझ गए हमारे प्रभु की शिक्षा को, और उन्होंने प्रभु की आज्ञा का अक्षरशः पूरा किया। सारे विश्व में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, उन्होंने वही किया, वही किया। जो विशिष्ट बुलाहट को स्वीकार करते हैं या स्वीकार करती है, प्रभु क्या करता है, उसे अपना अनुभव देता है कि मैं कौन हूँ, कि मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, उन सब का वो अनुभव देता है। प्रेरित लोगों को सोचिए कि वे 3 वर्षों तक प्रभु के साथ थे और 3 वर्षों में उन्होंने प्रभु को देखा, सुना, उनके अचरज काम को देखा, उनकी प्रवृत्ति को देखा, उनके दुख को देखा, उनके विरोध को, जो यहूदी लोग विरोध करते थे उसको देखा, प्रभु के आंसू को देखा, सब कुछ को देखा, उन्होंने अनुभव किया प्रभु का गहराई से। आप समझ सकते हैं हमारे प्रभु ने 12 प्रेरितों को जो उसके साथ सदा रहते थे बहुत प्यार दिया, उनके लिए बहुत प्यार दिया, और वो चाहता था कि वे भी उसे प्यार दें। उन्होंने प्यार दिया भी, लेकिन मनुष्य मनुष्य होता है, उनमें कमजोरी होती है, खामियां होती हैं, सीमाएं होती हैं, ऐसा उनमें भी था। फिर भी हमारे प्रभु ने उन्हें जो अनुभव दिया, गहरा अनुभव दिया, अपना अनुभव दिया, जिसे पवित्र आत्मा के उतरने के बाद उन्होंने प्रभु को पूर्ण रूप से समझा। अभी हमारी ये 7 धर्म बहने अपने आप को समर्पित कर रही हैं बहुत वर्षों के बाद। तो इस बीच हमारे प्रभु ने उन्हें बुलाहट का की बीज, उनके हृदय में बुलाहट का बीज बोया, बुलाहट को आगे बढ़ाया, और फिर उन्होंने समर्पित किया अपने को पहले प्रथम मन्नत के द्वारा, और फिर प्रभु ने उन्हें इतने वर्षों के अंदर अपना अनुभव दिया। मानो ने कहा देखो मैं ये हूँ, मैं ईश्वर का बेटा हूँ, मैं मेरे अंदर करुणा कूट कूट कर भरी हुई है, मैं चाहता हूँ कि सारी प्रत्येक आत्मा स्वर्ग में जाए, देखो मैं मुक्तिदाता हूँ, मैं प्रतिज्ञात मसीह हूँ, मैं चाहता हूँ कि ईश्वर का प्रेम सबके हृदय में आए, ईश्वर का राग सबके हृदय में आए। इस तरह से हमारे प्रभु ने उन्हें अनुभव दिया, गहरा अनुभव, और अनुभव के साथ साथ उसने अपना प्रेम भी दिया, अपना प्रेम दिया। मानो वो कहता है देखो मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से प्रेम किया है, तुम भी मुझे प्यार करो, तुम भी मुझे प्यार करो, मैं प्यासा हूँ प्रेम के लिए, मैं प्यासा हूँ तेरी आत्मा के लिए, और इसीलिए मैं अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाता हूँ ताकि तुम्हारी आत्मा न खो जाए, ताकि तुम एक दिन स्वर्ग में पहुंचकर अनंत आनंद में भाग ले सको। इस तरह से हमारे प्रभु अपना अनुभव देते हैं और चाहते हैं कि उसके साथ आत्मीय संबंध रहे, घनिष्ठ संबंध रहे। और इसको हम देखते हैं हमारे प्रभु में अंतिम प्यारी के समय हमारे प्रभु कितने भाव विह्वल हो गए थे, बहुत ही वे मित्र थे, मनुष्य थे और वो प्रभु ईश्वर थे, फिर भी उनके साथ बहुत गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित हो गया था, और वही हमारे प्रभु चाहते हैं। योहन के साथ, संत योहन के साथ में ऐसा संबंध था हमारा प्रभु का, बहुत गहरा संबंध था योहन का, मिस्टिकल संबंध। और भी हम देखते हैं कलीसिया के इतिहास में ऐसे कुछ संत लोग हुए हैं जिनका हमारे प्रभु के साथ बहुत गहरा संबंध था। मार्गरेट मेरी अलाको, उसके जीवन का पढ़िएगा तो पाइएगा
कि उसका हृदय प्रभु का हृदय प्रेम में इतना एक हो गए थे कि कभी कभी दोनों हृदय एक हो जाते। तो इस तरह से प्रभु चाहता है कि घनिष्ठ संबंध रहे, और मैं समझता हूँ कि हमारे इन बहनों ने उसे अनुभव किया है। आज के सुसमाचार में हमने सुना हमारे प्रभु कहते हैं, हे पिता, जिस तरह तू मुझमें है और मैं तुझमें हूँ, उसी तरह से वे भी एक हो जाएं, अर्थात वे भी उसके जो शिष्य हैं वे भी ईश्वर के साथ एक हो जाएं, जिस तरह से हे पिता मैं और तू एक हैं। उनमें उनकी एकता को हम अपनी छोटी बुद्धि से सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते, लेकिन वे एक हैं और प्रभु चाहता है कि हम भी उसी के समान एक हो जाएं। आगे भी कहते हैं, जो प्रेम तूने मुझे दिया है वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं भी उनमें बना रहूं, अर्थात मैं भी उनमें बना रहूं। और इसीलिए हम यूकारिस्ट का बलिदान अर्पित करते हैं, प्रभु हमारे हृदय में रोटी और दाखरस के रूप में आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनके हृदय में बने रहें और कि वे हमारे हृदय में बने रहें। ये भी गहरा संबंध है। जो हम आत्मीयता और एक होने की बात करते हैं, ये तो बहुत गहरा सत्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। धीरे 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 ये आएगी, अर्थात प्रभु के की जो प्रभु का बात विचार, प्रभु का काम धाम, प्रभु की भावना प्रवृत्ति, सारी चीज़ों को हम आत्मसात करके एक तरह से प्रभुमय बन जाते हैं, ईश्वरमय बन जाते हैं। यही ईश्वर हमसे चाहता है। इन सात धर्म बहनों ने आध्यात्मिकता की यात्रा की है काफ़ी वर्षों तक, और अभी कर रही हैं और करती रहेंगी। इनमें विशेष बुलाहट है, स्वीकृति इन्होंने दी है, और समाज में प्रवेश करके उन्होंने प्रथम मन्नत उन्होंने ली। फिर यात्रा के इस पड़ाव में वे आजीवन व्रत अभी ले रही हैं। ये आजीवन व्रत ये ऐसा मैं समझता हूँ कि ये तो औपचारिक है, बाह्य है, माता पिता के सामने वे लोग साक्ष्य दे रहे हैं कि ये सात बहनें अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं जीवन भर के लिए, लेकिन आंतरिक रूप से हमको इसको समझना है। आंतरिक रूप से ये प्रभु के साथ एक होने का समर्पण कर रही है, एक मन एक हृदय एक आत्मा होने का ये अपने को समर्पित कर रही है, आंतरिक रूप से आध्यात्मिक रूप से। और जो मन्नतें ले रहे हैं, सोलेम प्रॉमिस है, साधारण प्रॉमिस नहीं लेकिन सोलेम प्रॉमिस, और अभी कलीसिया के सामने और ईश्वर के सामने मानो वे कह रहे हैं कि हम तैयार हैं कि जिस तरह से पिता ईश्वर पवित्र है उसी तरह से पवित्र बनने के लिए हम अपने आप को तैयार समर्पित कर रहे हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। और ये व्रत है सभी जानते हैं, शुद्धता निर्धनता और आज्ञा पालन, ये सुसमाचारी मूल्य हैं, और उसी के माध्यम से धर्म समाज का जो कार्य है उसका पालन करते हुए उसके अनुसार जीवन यापन करते हुए वे अपने आप को पवित्र बनने के लिए ईश्वर को समर्पित कर रही हैं। और यह एक बहुत बड़ा वरदान है, जितनी गहराई आप उसको सोचेंगे आप पाएंगे कि ये ईश्वर का ऐसा वरदान है कि इसका कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई तुलना नहीं। उसके बाद में बुलाहट की जो आध्यात्मिकता है उसकी चौथी शर्त है प्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना, प्रभु के मिशन को आगे बढ़ाना। आप लोगों की संस्थापिका माता मेरी बर्नादेत ने एक तरह से प्रभु के मिशन को आगे बढ़ाया, और बहुत जोर से बढ़ाया, उत्साह के साथ बढ़ाया, बहुत कठिनाई उसको सहनी पड़ी लेकिन उसने बढ़ाया प्रभु के मिशन को, क्योंकि वो आत्मा की प्रेरणा थी, विशेष बुलाहट उसे मिली थी
और उसी ब्लड का अनुसरण कर रही हैं। तो अपने धर्म समाज में रहकर सुसमाचारी मूल्यों के साथ ईश्वर और पड़ोसी प्रेम में आप सिद्ध होना चाहती हैं, जैसे कि अभी आप प्रॉमिस करेंगे। कलीसिया की आप सेवा उदारता पूर्वक करना चाहती हैं। फिर एक और बड़ी बात है कि अपने समर्पित धर्म संगी जीवन से आप पारलौकिक जीवन का साक्ष्य दे रही हैं, अर्थात आप संसार को ये बता रही हैं कि जीवन तो एक यात्रा है, क्षण भंगुर है, हमारा असल जीवन स्वर्ग में है, मरने के बाद है, आप उसका साक्ष्य दे रही हैं। और उसी जीवन के लिए आप पारलौकिक जीवन जो है मरने के बाद, उसके लिए आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, उसी के लिए आप उसको लक्ष्य बनाकर आप ईश्वर की महिमा और लोगों की सेवा करना चाहती हैं। तो प्रिय माता पिता और भाई बहनों, ये समर्पण सहज नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आ सकती हैं, रोड़े आ सकते हैं, परीक्षाएं आएंगी और शैतान तरह तरह से बाधाएं डालने का प्रयत्न करेगा। और इसलिए चूंकि ये सात धन बने मनुष्य हैं, इनमें मनुष्य की प्रवृत्ति है, मनुष्य की भावनाएं हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। एक ओर तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम प्रार्थना करें। जो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, आप घर में रोज़ रोज़ प्रार्थना कीजिए इनके लिए कि ईश्वर की कृपा उनके साथ सदा बनी रहे, ये बहुत आवश्यक है। धर्म समाज में जरूर धर्म बहने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती हैं, लेकिन माँ बाप का भी कर्तव्य है कि वे एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। चलिए इस पवित्र मिशा में हम प्रभु ईश्वर से को धन्यवाद देते हुए इन धर्म बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। अभी पुनः व्रतधारिणी धर्म बहने घुटनी टेकती हैं तथा मुख्य अनुष्ठाता इन बहनों से पुनः प्रश्न पूछते हैं कि वे कहाँ तक धर्म संघ के संविधानों का पालन करके अपने को ईश्वर की सेवा में अर्पित करने और पवित्र जीवन जीने को तैयार हैं। प्रिय पुत्रियों, आप लोग बपतिस्मा द्वारा पाप से विमुख होकर ईश्वर को समर्पित हैं। क्या आप आजीवन व्रतों के पालन द्वारा अधिक घनिष्ठ रूप से ईश्वर के साथ संयुक्त रहने का दृढ़ संकल्प करती हैं? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। क्या आप लोग ईश्वर की सहायता द्वारा प्रभु येसु ख्रीस्त तथा कुमारी मरियम के समान संपूर्ण शुद्धता, निर्धनता और आज्ञाकारिता का जीवन अपनाने का दृढ़ संकल्प करती हैं? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। क्या आप लोग सुसमाचार का पथ अपनाकर तथा इस धर्म संघ के संविधान का पालन करके ईश्वर तथा पड़ोसी प्रेम में सिद्ध बनने का दृढ़ संकल्प करती हैं? क्या आप लोग पवित्र आत्मा की कृपा से कलीसिया की सेवा में अपना सारा जीवन उदारता पूर्वक अर्पित करने का दृढ़ संकल्प करती हैं? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। क्या आप लोग एकांत में मौन के नियम का पालन करके अविरल प्रार्थना, सहर्ष आत्मत्याग, दीन परिश्रम और पुण्य सेवा कार्यों द्वारा केवल ईश्वर का ध्यान करने का दृढ़ संकल्प करती हैं? जी हाँ, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। ईश्वर ने आप लोगों को यह पावन इच्छा प्रदान की है, ख्रिस्त के आगमन तक वह उसे पूरा करने की कृपा करे। यह समय हमें इन आजीवन व्रतधारिणियों के लिए विशेष विनती करने का आह्वान करता है। आइए हम सब घुटने टेक कर
सब संतों की स्तुति विनती के माध्यम से पवित्र त्रित्व माता मरियम और सभी संतों से इनके लिए याचना करें। हम सभी घुटने टेके। Bye.
कारिणी दो गवाही धर्म बहनों के साथ सामने आती हैं। व्रत धारण करने वाली धर्म बहनें धर्मसंघ के अनुसार धर्मसंघ के संविधान के अनुसार शुद्धता निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों से सुसज्जित होकर अपना संपूर्ण जीवन लोगों की सेवा हेतु जीवन भर के लिए अपने को समर्पित करती हैं। आइए इस मंगलमय दिन में हम इन बहनों के प्रेम सेवा और समर्पण के साक्षी बनते हुए ईश्वर से इनके लिए प्रार्थना करें कि वे अपने इस समर्पण को सफलतापूर्वक जिएं और यीशु के प्रेम से ख्रिस्त की सुगंध सर्वत्र फैला सके। अब बारी बारी से व्रतधारिणी धर्म बहनें सामने आती हैं। और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं बहन अन्ना रोशनी क्रिकेटर सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्य मारी मरियम तथा हमारी धन्य माता संत अन्ना के सम्मुख आपके हाथों में मान्य माता लिली ग्रेस तुकनो डीएसए धर्मसंघ की परमाधिकारिणी तथा अति मान्यवर क्लिस्टो को येसु संगी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के सामने जीवन भर के लिए संत अन्ना की पुत्रियों के इस धर्मसंघ के संविधान के अनुसार शुद्धता निर्धनता
और आज्ञा पालन के व्रत समर्पित करती हूँ। मैं संत अन्ना और पवित्र रक्षक दूतों की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से विनय करती हूँ कि वह मेरा दीन समर्पण ग्रहण करे और मुझे मेरे व्रतों का पूर्ण पालन करने की कृपा दे। आमीन। उसको पायर आ रहा है, उसको फोटो क्लिक करके हटेगा, वहाँ से रिकॉर्डिंग थोड़ी करना है उसको। संत अन्ना मूल मठ रांची, तिथि 20 नवंबर 2021। इतना देर खड़ा रहा, फोटो करवा दे, फोटो खींच ले, भाग लेगा नहीं। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं बहन अन्ना अंशु अनामिका टोपो सर्वशक्तिमान ईश्वर को, धन्य कुमारी मरियम तथा हमारी धन्य माता संत अन्ना के सम्मुख आपके हाथों में मान्य माता लिली ग्रेस स्वप्नो DSA धर्म संघ की परमाधिकारिणी तथा अति मान्यवर फेलिक्स टोपो येसु संघी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के सामने जीवन भर के लिए संत अन्ना की पुत्रियों के इस धर्म संघ के संविधान के अनुसार शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रत समर्पित करती हूँ। मैं संत अन्ना और पवित्र रक्षक दूतों की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से विनय करती हूँ कि वह मेरा दीन समर्पण ग्रहण करे और मुझे मेरे व्रतों का पूर्ण पालन करने की कृपा दे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर स्थान संत अन्ना मूल मठ रांची, तिथि 20 नवंबर 2021। अन्ना अलका किंडो सर्वशक्तिमान ईश्वर को, धन्य कुआरी मरियम तथा हमारी धन्य माता संत अन्ना के सम्मुख आपके हाथों में मान्य माता लिली ग्रेस स्वप्नो DSA धर्म संघ की परमाधिकारिणी तथा अति मान्य पर फेलिक्स टोपो येसु संघी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के सामने जीवन भर के लिए संत अन्ना की पुत्रियों के इस धर्म संघ के संविधान के अनुसार शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रत समर्पित करती हूँ। मैं संत अन्ना और पवित्र रक्षक दूतों की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से विनय करती हूँ कि वह मेरा दीन समर्पण ग्रहण करे और मुझे मेरे व्रतों का पूर्ण पालन करने की कृपा दे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्थान संत अन्ना मूल मठ रांची, तिथि 20 नवंबर 2021। संतोषी रुंडा सर्वशक्तिमान ईश्वर को, धन्य कुमारी मरियम तथा हमारी धन्य माता
संत अन्ना के सम्मुख आपके हाथों में मान्य माता लिली ग्रेस्तोपनो डीएसए धर्म संघ की परमाधिकारिणी तथा अति मान्यवर फेलिक्स टोपो येसु संघी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के सामने जीवन भर के लिए संत अन्ना की पुत्रियों के इस धर्म संघ के संविधान के अनुसार शुद्धता निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रत समर्पित करती हूँ। मैं संत अन्ना और पवित्र रक्षक दूतों की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से विनय करती हूँ कि वह मेरा दीन समर्पण ग्रहण करे और मुझे मेरे व्रतों का पूर्ण पालन करने की कृपा दे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्थान संत अन्ना मूल मठ रांची, तिथि 20 नवंबर 2021। ईश्वर को धन्य कुमारी मरियम तथा हमारी धन्य माता संत अन्ना के सम्मुख आपके हाथों में मान्य माता लिली ग्रेस तोपनो डीएसए धर्म संघ की परमाधिकारिणी तथा अति मान्यवर फेलिक्स टोपो येसु संघी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष के सामने जीवन भर के लिए संत अन्ना की पुत्रियों के इस धर्म संघ के संविधान के अनुसार शुद्धता निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रत समर्पित करती हूँ। मैं संत अन्ना और पवित्र रक्षक दूतों की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से विनय करती हूँ कि वह मेरा दीन समर्पण ग्रहण करें और मुझे मेरे व्रतों का पूर्ण पालन करने की कृपा दे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्थान संत अन्ना मूल मठ रांची, तिथि 20 नवंबर 2021। मैं बहन अन्ना प्रतिमा सोसन गुड़िया सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्य कुमारी मरियम तथा हमारी धन्य माता संत अन्ना के सम्मुख आपके हाथों में मान्य माता लिली ग्रेस्तोपनो डीएसए धर्म संघ की परमाधिकारी तथा अति मान्य व फेलिक्स टोपो येसु संघी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्म अध्यक्ष के सामने जीवन भर के लिए संत अन्ना की पुत्रियों के इस धर्म संघ के संविधान के अनुसार शुद्धता निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रत समर्पित करती हूँ। मैं संत अन्ना और पवित्र रक्षक दूतों की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से विनय करती हूँ कि वह मेरा दीन समर्पण ग्रहण करे और मुझे मेरे व्रतों का पूर्ण पालन करने की कृपा दे। आमीन। स्थान संत अन्ना मूल मठ रांची, तिथि 20 नवंबर 2021। पिता
बहन अन्ना सुधा टोपो सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्य कुमारी मरियम तथा हमारी धन्य माता संत अन्ना के सम्मुख आपके हाथों में मान्य माता लिली ग्रेस तुपनो DSA धर्मसंघ की परमाधिकारिणी तथा अति मान्यवर फिलिक्स टोपो येसु संघी रांची महाधन क्रांति महाधर्माध्यक्ष के सामने जीवन भर के लिए संत अन्ना की पुत्रियों के इस धर्म संघ के संविधान के अनुसार शुद्धता निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रत समर्पित करती हूँ। मैं संत अन्ना और पवित्र रक्षक दूतों की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से विनय करती हूँ कि वह मेरा दीन समर्पण ग्रहण करे और मुझे मेरे व्रतों का पूर्ण पालन करने की कृपा दे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्थान संत अन्ना मूलमठ रांची। तिथि 20 नवंबर 2021। एक विशेष सूचना है, मिसा के दौरान फोटो लेने के लिए व्यक्ति निर्धारित हैं, अतः आप अनावश्यक सामने भीड़ ना लगाएं पर अपने ही स्थान पर क्रिस त्याग में भक्ति पूर्वक भाग लें। अभी मुख्य अनुष्ठाता अपना हाथ पसारते हुए आशीष प्रदान करते हैं, समर्पण प्रार्थना कहते हुए इन्हें आशीर्वाद देते हैं। हे प्रभु ईश्वर, विश्व के सृष्टिकर्ता और मानव जाति के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरा सादर प्रशंसा करते हैं। तूने इब्राहिम की संतान से एक प्रजा चुन ली और अपने नाम के आदर हेतु उसे अपना लिया। जब वे मरुभूमि से गुजर रहे थे तो उन्हें अपने वचन द्वारा उनका ढाढ़स बंधाया और अपने बाहुबल से उनकी रक्षा की। जब वे दरिद्र और तिरस्कृत थे तो तूने अपने प्रेम बंधन से उन्हें अपना लिया। जब उन्होंने तेरे प्रेम की उपेक्षा की तूने दयापूर्वक उन्हें धर्म के पथ पर वापस बुलाया। जब वे तुझे फिर ढूंढने लगे तो पितृतुल्य प्रेम से प्रेरित होकर उनके साथ सदा उनके साथ रहा जब तक वे प्रतिज्ञा देश ना पहुँचे। हे पिता, हम तुझे सबसे पहले धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने अपने पुत्र हमारे भाई प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमें सत्य का ज्ञान प्रदान किया। धन्य कुमारी मरियम से जन्मे येसु ने अपनी मृत्यु द्वारा तेरी प्रजा को पाप से मुक्त किया और पुनर्जीवित होकर उन्हें भावी महिमा की आशा दिलाई। महिमा के साथ तेरी दाहिनी और विराजमान होकर उन्होंने पवित्र आत्मा को अनगिनत शिष्यों का आह्वान करने के लिए भेजा, जिससे वे सुसमाचार के आदेशों के अनुसार तेरी महिमा और मानव जाति के उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करें। यह उचित है कि आज यह भवन मधुर संगीत की नई लार से गूंज उठा है क्योंकि हमारे इन बहनों ने तेरा आमंत्रण स्वीकार करके तेरी पुण्य सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। हे प्रभु, जिन सेविकाओं ने तेरे लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है उन पर अपने आत्मा के वरदानों की वृष्टि कर। हे पिता, इनमें ख्रिस्त की दिव्य कांति चमक उठे जिससे जो लोग इन्हें देखते हैं वे यह जान जाएं कि प्रभु ही अपनी कलीसिया में विद्यमान है। हे पिता, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु का यह कथन यह वचन स्मरण करें। तूने मेरे इन पीड़ित भाई बहनों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। ये जगत का घटनाक्रम देखकर यह विश्वास करें कि तू अपने विधान के अनुसार सब कुछ संभालता है। ये अपने समर्पित जीवन द्वारा तेरे राज्य का आगमन बढ़ावे जब तक ये स्वयं तेरे संतों की संगति में स्वर्गीय भवन ना पहुंच जाए।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अंगूठी आजीवन प्रधारण की निशानी है। जिस तरह अंगूठी एक विवाहिता के लिए प्रेम एवं वफादारी का चिन्ह होता है, उसी प्रकार ये बहने इस निशानी को अपने अंगुली में पहनकर आजीवन यीशु के प्रेम एवं अपने व्रतों के प्रति ईमानदार रहने के लिए वचनबद्ध हैं। अतः अभी अंगूठी की आशीष होगी, इसके बाद व्रतधारिणी बहनों को अंगूठी प्रदान किया जाएगा। ईश्वर की दुल्हे के प्रति नित्य विश्वस्त रहिए कि आप अंतिम दिन ख्रिस्त के साथ अनंत जीवन बिता सकें। हल्का किंडो इस अंगूठी को ग्रहण कीजिए। अपने स्वर्गीय दुल्हे के प्रति नित्य विश्वस्त रहिए कि आप अंतिम दिन ख्रिस्त के साथ अनंत जीवन बिता सकें। इस अंगूठी को ग्रहण कीजिए। अपने सभी विदय के प्रति नित्य विश्वस्त रहिए कि आप अंतिम दिन ख्रिस्त के साथ अनंत जीवन बिता सकते हैं। बोधनी लुंडन इस अंगूठी को ग्रहण कीजिए। अपने सभी विदय के प्रति नित्य विश्वस्त रहिए कि आप अंतिम दिन ख्रिस्त के साथ अनंत जीवन बिता सकते हैं। सोजन गुड़िया इस अंगूठी को ग्रहण कीजिए। अपने स्वर्गीय गुड़े के प्रति नित्य विश्वस्त रहिए कि आप अंतिम दिन ख्रिस्त के साथ अनंत जीवन बिता सकें। इस अंगूठी को ग्रहण कीजिए। अपने स्वर्गीय गुड़े के प्रति नित्य विश्वस्त रहिए कि आप अंतिम दिन ख्रिस्त के साथ अनंत जीवन बिता सकें। धर्मसंघ की परमाधिकारिणी खुशी का इजहार करते हुए आजीवन व्रतधारिणी बहनों को अपना संदेश देती हैं। की सेवा करने का प्रयत्न करता है, विशेषकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने में सहायता देता है, बच्चों और युवतियों को शिक्षा प्रदान करता है, रोगियों की सेवा करता है और समाज सेवा के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाता है। प्रिय पुत्रियों, कलीसिया ने आप लोगों को उत्तम सेवा कार्य सौंपा है, इसे कलीसिया के नाम में ईमानदारी से निभाइए। हम सभी का जवाब होगा ईश्वर को धन्यवाद। अब हमारी ये सात बहनें संत अन्ना के पुत्रियों के धर्मसंघ की पूर्ण सदस्य बन चुकी हैं। अतः आइए
हम अपने तालियों के गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करते हुए बधाई कहें। अभी आजीवन व्रतधारिणी बहनें अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण होते देख आनंदित हो उठती हैं और प्रभुमय होकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए माँ मरियम की भांति गा उठती हैं। चढ़ावा होगा जो माता पिता अपना चढ़ावा साथ लेकर आए हैं, चढ़ावा के गीत के साथ उसे अर्पित करने के लिए पंक्तिबद्ध खड़ी हो जाएं और कतार में आगे बढ़े। इस तरह अब से मिस्सा बलिदान का क्रम यथावत आगे बढ़ेगा। Hey,
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए आज हमारे तथा अपने समय को पवित्र करने के लिए आपके हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करें अपनी सेविकाओं के उपहार और निवेदन ग्रहण कर। इन्होंने सुसमाचार के परामर्श पर चलने का व्रत लिया है, तो इनका व्रत अपने प्रेम से सुदृढ़ कर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुमारी मरियम के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुए, इन्होंने हृदय के निर्मल लोगों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुमारपन का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया है। इन्होंने सदैव तेरी इच्छा पूरी की और हमारे खातिर मृत्यु तथा आज्ञाकारी बनकर स्वयं को पूर्ण एवं सुगंधित बलि स्वरूप स्वेच्छा से तुझे अर्पित कर दिया है। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे प्रेम और तेरी पूर्ण सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उन्हें प्रभु यीशु ने पवित्र किया और स्वर्ग में अक्षय निधि देने की प्रतिज्ञा की। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तो मेरी स्मृति में आज्ञा करो। प्रभु येसु ख्रीस्त को महिमा हो, प्रभु येसु ख्रीस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु येसु ख्रीस्त को महिमा हो। Christ mar gaye, Christ jiyo ji, Christ wahi baaki saath mera vege, Prabhu Yesu Christ ko mahi ma। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फिलिप, सहायक बिशप थियोडोर और याकूब के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेरित बना दे। हमारे भाई बहनों के लिए सुधि दे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयालु से डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु येसु ने हमें सिखाया है। तुम का
प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय जीसु। शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। So if you don't mind, I'll first keep those. Yes, sir, I'm a sinner. I'm a sinner.
करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप हमारे लिए असंख्य उपकार किए हैं। नबी इसायस का ग्रंथ अध्याय 63 पद संख्या 7। आज का यह दिन हम सात धर्म बहनों के लिए ईश्वरीय वरदान एवं कृपा से भरा दिन है और हमारा हृदय परमपिता ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भर आनंद विभोर हो उठा है, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा और आप लोगों की निरंतर प्रार्थना, प्यार एवं प्रोत्साहन से हमने ईश्वर की अनुपम एवं अगाध प्रेम को पहचाना और आज अपने आप को पूर्ण रूपेण प्रभु को अर्पित कर पाई हैं। आज हम संत अन्ना परिवार के सदस्य बनकर बहुत खुश हैं।
ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम आज के आजीवन व्रत धारण समारोह ख्रिस्त्याग में उपस्थित मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर फेलिक्स टोपो येसु संघी रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष को हम अपना आभार प्रकट करती हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने हृदय स्पर्शी तथा प्रेरणादायक प्रवचन द्वारा हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में प्रोत्साहित किया है। आपके आशीर्वाद एवं स्नेह के लिए सारे हृदय से धन्यवाद तथा सभी पुरोहित भाइयों को हमारे खुशी में शामिल होने और प्रार्थनाएं अर्पित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे मदर जनरल श्रद्धेय सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो एवं उनकी महासमिति के प्रति धन्यवादी हैं, जिन्होंने हमें धर्म संघ में स्वीकार किया और हमें हमेशा अपनी प्रार्थना एवं प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन द्वारा प्रोत्साहन दिया है। सिस्टर मंजुला किंडो प्रोविंशियल सुपीरियर रांची और उनकी समिति और सभी अधिकारियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी प्रार्थना मातृतुल्य प्रेम मार्गदर्शन प्रोत्साहन तथा सहयोग द्वारा हमें आगे बढ़ने में सहयोग दिया है। साथ ही हम धर्म संघ के प्रत्येक धर्म बहन के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग दिया है। हमारी प्रशिक्षिका धर्म बहनों को उनके समर्पित एवं सरल जीवन अथक परिश्रम प्यार एवं प्रोत्साहन द्वारा हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हमारे अति प्रिय माता पिता भाई बहन रिश्तेदार एवं उपकारकों को बचपन से लेकर आज तक ख्रीस्तीय विश्वास एवं संस्कारों से सींच कर बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना त्याग तपस्या निस्वार्थ प्रेम एवं प्रोत्साहन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम विशेष रूप से मदर हाउस तथा प्रोविंशियल हाउस की सुपीरियर सभी धर्म बहनों प्रार्थी एवं अभ्यर्थी बहनों को उनके निस्वार्थ सेवा त्याग एवं उदारता के लिए धन्यवाद देती हैं। वेदी एवं प्रांगण की सुंदर सजावट और अन्य सभी व्यवस्था द्वारा आपने इस दिन को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया है। आज के गायक मंडली को सुरीली गीतों द्वारा हमें भक्ति पूर्वक प्रार्थना करने में मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभी गतिविधियों को कैमरे में कैद करने के लिए फोटोग्राफर्स को सहृदय धन्यवाद। पुनः हम सभी आजीवन व्रतधारी धर्म बहनों की ओर से आप सबों को आपकी प्रार्थना प्यार एवं उपस्थिति के लिए समस्त दिलो जान से धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमने यह दिव्य संस्कार श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया है। तुझसे निवेदन है कि जो सेविकाएं पवित्र व्रत द्वारा तुझसे संयुक्त हो गई हैं, उनका हृदय पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित कर और उन्हें सदा के लिए अपने पुत्र की संगति में रख, जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर नवाइए।
सभी शुभ अभिलाषाओं का स्रोत ईश्वर आप लोगों का मन और हृदय सुदृढ़ करे ताकि आप अपनी प्रतिज्ञाएं निष्ठापूर्वक पूरी करती रहें। आमीन। वह आप लोगों को ऐसी कृपा दे कि आप इस पवित्र जीवन के मार्ग पर ख्रिस्त के आनंद से परिपूर्ण होकर सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करें। आमीन। ईश्वर के प्रेम से आप एक ऐसा परिवार बन जाएं जो ख्रिस्त के नाम पर एकत्र और उनके प्रेम का जीता जागता प्रमाण है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। अभी आज के मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु संघी सभी पुरोहितगण धर्मसंघ की परमाधिकारिणी उनकी महासलाहकारिणिया प्रोविंशियल उनकी सलाहकारिणिया आजीवन व्रतधारियों के साथ वेदी के समक्ष फोटो लेने के लिए आने की कृपा करें। इस वक्त हम विसर्जन के गीत गाएं। भोजनालय में होगा, अतः यहाँ उपस्थित आप सभी का भोजनालय में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।